अल्लाहुमा सल्ली व सल्लम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही व बारिक व सल्लम कुर्रतु आइनी बिका या रसूलल्लाह। मैं हूँ सैयद मोहसिन अली जिनजानी और आज मैं हाजिर हूँ माजी में, चूँकि मैं PMS और CSS की क्लासेज एज़ अ गेस्ट स्पीकर जाके लेता रहा हूँ, तो ज़ाहिर है कुछ हिस्ट्री के ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो शौक रखते हैं। और आज कल अरतगल गाज़ी के नाम से एक ड्रामा बड़ा फेमस चल रहा है, जिसकी वजह से मुसलमानों में जोश व वलवला है। तो कुछ सवालात उन्होंने किए, लेकिन मैं उस ड्रामे से बिल्कुल हट के, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो मेरे यूनिवर्सिटी के दौर थे तो हिस्ट्री भी रहा है, तो कुछ नायाब तस्वीर भी मेरे पास हैं, कुछ मैंने उस टाइम की जो चीज़ें अपने एनालिसिस के मुताबिक निकाली थी, तो मैंने सोचा कि मैं नाजरीन की खदमत में पेश करूँ। मैं माजी से चलूँगा और 2023 तक के होने वाले स्नैरियो के अंदर और क्या कश्मकश इस टाइम चल रही है और ये किस तरीके से स्टार्ट हुआ और किस एंड पे जाएगा, और कुछ सवालात के साथ, क्वेश्चन मार्क के साथ मैं आप लोगों के बारगाह में पेश करके इजाज़त चाहूँगा। तो मेरे साथ रहिएगा ताकि हमें पता चले कि क्या वजह थी कि मुसलमानों को जो ये सल्तनत मिली है, इसमें तीन रीज़न्स थीं जो मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताऊंगा, जिसकी वजह से इतना अरूज मिला इनको, और वो आज मुसलमानों में हैं या नहीं ये भी फैसला आप लोगों ने करना है। सबसे पहले तो अरतगल से भी पहले हम 656 हिजरी में चलते हैं, जब तातारियों ने हमला किया और अरतगल नामी बंदे का कोई फेम नहीं था, अगरचे वो पैदा हुआ या नहीं कतः नज़र इसके कोई फेम नहीं था। तो मुसलमानों का कत्ल आम बगदाद में किया गया, जिसमें तकरीबन कोई 22 से 24 लाख मुसलमानों को मारा गया। 2 से 3 हफ्ते कहा जाता है तारीख में, मुख्तलिफ हफ्तों के हवाले से ज़िक्र है, दरियाए दजला का पानी सुर्ख बहता रहा 2 से 3 हफ्ते, और इसके बाद ज़रूरत थी कि मुसलमानों को कहीं पे सेटल किया जाए, इकट्ठे किया जाए, क्योंकि मंगोलों ने हर तरफ से हमला किया था। और उस दौरान में सुल्तान अलाउद्दीन कैकबादी, जो कि एक बहुत पावरफुल हुक्मरान होने के बावजूद भी हर तरफ से फितनों में घरा हुआ था, अंदर भी बाहर भी हर तरफ से उसके लिए खतरात थे, तो उस दौर में सुलेमान शाह का बेटा अरतगल, जिसने अपने वालिद की ख्वाहिश को पूरा करते हुए उजागर करते हुए, वालिद की ख्वाहिश थी कि मुसलमानों को हम इकट्ठा करें, उस ख्वाहिश के अंदर मज़ीद इसने अपनी अक्ल से, क्योंकि बड़ा ज़हीन था, दानिश्वर था और उलमाए कराम और सूफिया के दामन के साथ हर टाइम वाबस्ता, नेक था, इसका जब नाम लें तो रहमतुल्लाह ताला अलैह कहना चाहिए, इसने इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए सलजोकी हकूमत की इसने वफादारी के साथ अलाउद्दीन की नज़रों में अपना नमाया मकाम लिया, और इसी की भतीजी के साथ इसकी शादी हुई थी, जिसका नाम है हलीमा सुल्तान। तो हलीमा सुल्तान के साथ इसकी शादी हुई, 3 बच्चे रब तआला ने इसको दिए, तीसरा जो बेटा था उस्मान, इसके नाम पे सल्तनत उस्मानिया की बकायदा बुनियाद उसने ख़ुद से डाली थी उस बेटे ने, ये वफात पा चुके थे। इनकी पैदाइश जो है वो तकरीबन 1191 ईस्वी बताई जाती है, जो कि मशकूक है, और वफात इनकी हुई थी 1281 ईस्वी में, तकरीबन 90 साल की उम्र इन्होंने पाई। और इनका जो नाम है ये 2 लफ्ज़ों से मिलके बना है, अर और तुगरल। अर का माना होता है हीरो का, सिपाही, और तुगरल का माना है उकाब। ये मिल के बना, इसका माना मजबूत हिम्मत और हौसले वाला शिकारी परिंदा। तो ये अपनी नाम की तरह अपनी ज़ात के अंदर भी इस तरह की सिफात रखते थे, जहाद के जज्बे के साथ साथ इनके अंदर ना डर, अकलमंद, बाशऊर और उलमाए कराम के साथ वाबस्तगी इसके अंदर नुमाया थी। मुसलमानों का लिए जो हमदर्दी और दर्द इसके अंदर हमेशा से रहा है फितरती तौर पे, जिसकी वजह से ये मुसलसल जिद्दोजहद के साथ हिजरत करता रहा, और रब ताला ने इसको फिर एक जगह पे सरदार आला का मकाम दिया, जो कि अलाउद्दीन कैकबादी की तरफ था। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन कैकबादी को मिक्स कर देते हैं, ये दोनों मुख्तलिफ हैं, वो खिलजी एम्पायर का अलाउद्दीन था और ये सलजोकी का, तो ये मिक्सअप कर देते हैं बाज़ दफ़ा लोग। एनी हाउ, जब ये सरदार आला बना
तो इसने मज़ीद अपने साथ तुर्क कबाइल को मलाया और अपनी नुमाया शख्सियत को पूरे तुर्क कबाइल के अंदर एक धात के तौर पे बैठा के इसने मज़ीद जिद्दोजहद की और अपनी आखिरी उम्र तक ये सलजोकी सल्तनत के साथ बिल्कुल वफ़ादार और इस कदर वफ़ादार था कि अलाउद्दीन को इसके ऊपर हर तरह से एतमाद था। जब ये अपनी आखिरी सांसें ले रहा था तो उधर सलजोकी सल्तनत की भी आखिरी सांसें चल रही थीं। इसकी ख्वाहिश थी कि मुसलमानों के लिए एक ऐसा शेल्टर हो जिसमें मुसलमान उस सरज़मीनों के अंदर बिल्कुल आज़ादाना तरीके से अपनी इबादत और अपने सारे मामलात करते रहें और किसी किस्म की उनको परेशानी ना हो। इसी ख्वाहिश को इसके तीसरे बेटे ने 1299 ईस्वी के अंदर पूरा किया और सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद डाली। इनके अंदर अब ये अर्तगल की जो मैंने सारी बात की है, इनके अंदर बाप से लेके आखिरी जो सुल्तान था वहाँ तक तीन चीज़ें नुमाया थी। नंबर वन, जब ये जिद्दोजहद करते थे, जंग करते थे, तो कामिल रब तला पे यकीन के साथ इनका ये कहना था कि जिद्दोजहद और जंग हमारी, फतह रब तला की। नंबर टू, जो इनके अंदर बड़ी नुमाया चीज़ थी, वो तअज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बहुत नुमाया। इस कदर तअज़ीम करते थे कि जब भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम नामी लिया जाता तो दिल पे हाथ रख के सर को हल्का सा झुकाया करते थे, जो कि आज भी तुर्कों में ये चीज़ पाई जाती है। जैसे हमारे बरसग़ीर में कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह, अंगूठों को चूम के आंखों को लगाते हैं कि या रसूलल्लाह आप मेरी आंखों की ठंडक हैं, ऐसे ही ये दिल पे हाथ रख के हल्का सर को झुका के कि मदीना चाहे दूर है लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। तो ये इनकी एक तज़ीम का तरीका था। और जब भी जहाँ भी सल्तनत इनकी भरती जाती थी, ये 12 रबीउल अव्वल लाजमन मनाया करते थे, जिसको शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी लिखा है कि मैंने बकायदा मिलाद की जो जुलूस था या जो महफिल थी उसके अंदर उन्होंने बकायदा पार्टिसिपेशन भी की। ये शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का उन्होंने तहरीर किया हुआ है। तो इनकी जहाँ जहाँ भी सल्तनत बढ़ती रहती, ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेलाद और उनकी तज़ीम को लाजमी पकड़ी रखते। रीज़न क्या थी? ये कहते थे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना होते ना हम जिद्दोजहद करते, ना हमें ये सरज़मीनें मिलती, हम कहीं तन्हाइयों में वीरानों में पड़े होते, ना हम पे नमाज होती, ना हज होता, ना हमें पता होता बैतुल्लाह क्या है, ना हमें पता चलता इस्लाम क्या है, ना हमें मार्फत इलाही मिलती। तो ये सारा कुछ हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बदौलत मिला है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तज़ीम को हर हर जगह और जहाँ पे भी सल्तनत इनकी बढ़ती जाती वहाँ पे ये लाजमी करार दे देते। और तीसरी जो इनकी नमाया खासियत थी वो ये थी के बुज़ुर्गान दीन को इन्होंने मज़बूती से पकड़ा हुआ था। इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि शेख अकबर के नाम से भी और जो तसव्वुफ़ के बहुत बड़े इमाम भी हैं, इनकी बहुत सारी कुतब भी हैं, फ़ुसूसुल हुक्म, फ़ुतुहात मक्किया, मवाक़िउ नुजूम, तकरीबन को 600 के करीब इनकी किताबें हैं कमोपेश, और इनको बराह रास्त हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की सोहबत भी मैसर आई है। बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, इनके बारे में अगर पढ़ें तो पूरी कोई 4-5 घंटे की एक हमें बकायदा इसके ऊपर एक प्रोग्राम करना पड़ जाएगा, इतनी बड़ी शख्सियत हैं। और इनके ऊपर बकायदा अभी तक रिसर्च हो रही है, ना सिर्फ इस्लामी ममालिक में बल्कि दीगर जो यूरोपियन या अमेरिकन और कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर भी इनके बारे में बकायदा इनकी किताबों के ऊपर रिसर्च होती है। तो ये बहुत बड़ा एक इल्म का दरिया थे, इनका दामन इन्होंने मज़बूती से पकड़ी रखा। और टर्किश सोर्सेज के मुताबिक अगर इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह का रूहानी फैज़ और उनकी रहनुमाई ना होती तो अर्तगल इस हद तक कामयाबी ना हासिल करता, और उनकी रहनुमाई की वजह से आगे की जो जितनी भी उल नसल इनकी चली है वो भी इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के रूहानी फैज़ और उनकी बदौलत है। इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह स्पेन में पैदा हुए थे और
और दमिश्क में इनकी वफ़ात हुई और आप रहमतुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया था कि जब मैं मेरी कब्र तब तक नहीं मिलेगी जब तक सीन शीन में दाखिल ना हो जाए। तो शहजादा सलीम जब इन्होंने शाम को फतह किया तो शाम में इनका इनकी कब्र मुबारक ख्वाब में आके आपने बताई और वहाँ पर आज इनका मज़ार है। तो ये उनकी जो जफरी पेशन गोई थी ये उनके रुबाई के मुताबिक जो है वो कम्प्लीट हुई। तो बहुत बड़ी शख्सियत, अल्लाह ताला हमें बुज़ुर्गान दीन का दामन हमेशा मजबूती के साथ और उनके दामन के साथ वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। तो ये तीन बड़ी नुमाया अर्तगल से ले कर आखिरी सुल्तान तक अगर हम देखें, बल्कि अब भी अगर हम तर्किश लोग अगर मक्का मदीना आपका जाना हो और उनके साथ आपका उठना बैठना वहाँ पर अगर हुआ है तो आपको पता चलेगा कि किस हद तक ये सरकार अलैहिस्सलाम से और उलमाए कराम से मोहब्बत करते हैं। उस्मान बिन अर्तगल इन्होंने ही ख्वाब के अंदर देखा था कि मेरे जिस्म से एक दरख्त फूट रहा है और उसकी शाखें पूरी दुनिया में फैल रही हैं। तो उनके शेख ने इनके इस ख्वाब की तबीर ये फरमाई कि आपको अल्लाह ताला ऐसी हुक्मरानी ऐसी सल्तनत देगा जिसकी शाखें फैली होंगी। और कहा जाता है कि तीन, बल्कि मैप अगर आप गूगल करें तो आपको मिल जाएगा कि तीन बरे आज़मों तक इनकी जो सल्तनत है वो फैली और इस्लाम के अंदर इतनी ज़्यादा तवील उम्र तक या इतने ज़्यादा लंबे अरसे तक किसी को भी ऐसी सल्तनत मुयसर नहीं आई जो इनको मिली है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इन तीन वजूहात की वजह से इनको मिली है। नंबर वन, रब ताला पे कामिल यकीन। नंबर टू, तज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नंबर थ्री, दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जो उलमाए कराम वाबस्ता हैं, जो नेक लोग वाबस्ता हैं, उनके दामन को इन्होंने मजबूती से पकड़ा हुआ था। तो उनके शेख ने यह ताबीर की और वह ताबीर आज हमारे सामने है कि तकरीबन कोई 623 साल तक का लंबा अरसा इनकी सल्तनत कायम रही जिसमें इन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की तज़ीम को कभी भी नहीं छोड़ा। ये लोग जब भी जंग करते, जब भी जंग में इनको परेशानी फेस करनी पड़ती तो ये सरकार अलैहिस्सलाम का वास्ता देना शुरू कर देते और मौला अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम की शुजात का रब ताला से हिस्सा मांगते कि या अल्लाह हमारे दिलों को मजबूत कर, हमें मौला अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम जैसी हमें शुजात अता फरमा ताकि हम तेरे राह के अंदर जो निकले हुए हैं इस फतह में हमें इस जंग में हमें फतह नसीब हो। और इनकी इस दुआ को रब ताला फिर कबूल फरमाता, बल्कि सुल्तान मुराद से एक दुआ मिलती भी है जो कोसोवो की जंग के अंदर इन्होंने की थी। वो मैं उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन की है, वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हसीन चेहरे के वास्ते ए अल्लाह, और करबला में बहे हुए पाकीज़ा खून के वास्ते ए अल्लाह, उन आंसुओं के वास्ते जो रातों में तेरी याद में प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहाए, हमें और हमारे दिलों को ताकत दे और कामयाबी से सरफराज फरमा। तो ये फतह के दौरान ये लाजमी इस तरह दुआएं करते, बल्कि सुल्तान सलीम जो सुल्तान सलीम थ्री तीन गुजरे इनके अंदर जो तीसरे हैं ये ख़त लिखा करते थे मदीने में। और जब 1918 के अंदर हालात कुशीदा हुए और उसके बाद जब आले सऊद आए और वो चैम्बर्स खोले गए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक जालियाँ, तो उसके अंदर से इनके ये ख़त मिले भी जिसमें ये लिखते थे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कोई भी सल्तनत के मुताबिक के लिए कोई परेशानी होती, कोई भी जंग का मामला होता, कोई उम्मत पे दुश्वारी होती तो ये सरकार अलैहिस्सलाम को लिख के भेजा करते थे कि या रसूलल्लाह ये परेशानी है, ये परेशानी है, और आपका जो भी तुर्की से उम्रा या हज के लिए लोग जाते हैं उनके हाथ भेजते, वो बाकायदा वहाँ पर ये ख़त पढ़ा करते और आप अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर में वो ख़त रख दिया जाता। सुल्तान अहमद इनके इन्होंने जब ब्लू मॉस्क तमीर करवाई तो जो आर्किटेक्ट था इसने गलती से ब्लू मॉस्क के 6 मीनार बनाए तो उस वक्त मस्जिद हराम के भी 6 मीनार हुआ करते थे। इन्होंने फौरन तुर्की से बंदे भिजवाए और मस्जिद हराम के लिए 7वां मीनार तामीर करवाया ताकि
जो मस्जिद हराम का अदब है उसको मलहूज़ हातिर रखते हुए उन्होंने वहाँ पे 6 की बजाय 7 मीनार करवा दिए। इन्हीं सुल्तान ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तामीर और मेंटेनेंस के लिए एक हीरा भिजवाया जिसकी मालियत 7,060,000 सोने के सिक्के थे और वो आप अलैहिस्सलाम की मस्जिद की तामीर में इस्तेमाल किए गए। फिर सुल्तान महमूद टू, इन्होंने जो आज हमारे दिलों की धड़कन है, कई नातों के अंदर गुंबद खजरा का जिक्र है, 1818 में इन्होंने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर गुंबद खजरा तामीर करवाया और 1837 में इस गुंबद को सब्ज़ रंग किया गया और आज हम पूरे इनकी क्या कहते हैं मेहरबानियां हैं कि आज हम मदीने का तसव्वुर जब भी करते हैं तो फौरन से गुंबद खजरा हमारी आंखों के सामने आ जाता है और हम अपनी दिलों की राहत को गुंबद खजरा के सब्ज़ रंग के अंदर पाते हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अनवर का तसव्वुर अपनी आंखों में लेके आते हैं। सुल्तान अब्दुल हामिद और सुल्तान सलीम से ये वाकया मंसूब है, इन दोनों से मंसूब है लेकिन वाकया पेश किसी एक के साथ आया था। तो इनके पास एक ताजिर आया, असल में वो ताजिर तुर्की में तजारत की गर्ज़ से आया था, उसका सारा माल जो है वो बिज़नेस के नज़र हो गया, ज़ाया हो गया और उस पर उल्टा कर्ज़ चढ़ गया, परेशान था बहुत ज़्यादा। दुआ की रब तआला से, रात को नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़्वाब में तशरीफ़ ले आए, काफ़ी परेशान था और सच्चे दिल से दुआ की तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सलीम या अब्दुल हामिद इनके पास चले जाएं और जाके आप उनको कहें कि मुझे पैसे दें। और आपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो लफ्ज़ यूज़ किया वो फरमाया हमारा सलीम या हमारा अब्दुल हामिद। तो जब वो अगले दिन सुल्तान के महल गए और जाके बाहर जो दरबान था उसको कहा कि सुल्तान ने मेरा कर्ज़ा देना है, मुझे मिलवाएं, सुल्तान ने अंदर बुलाया, सवाल पूछा कि हाँ भई आपने, मैंने तो आपसे कभी कर्ज़ा लिया नहीं। तो उन्होंने रात का सारा वाकया बताया, इस कदर उसको इन्होंने इंजॉय किया, इस कदर खुश हुए कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा है मेरा हामिद, तो आप इसको जो ताजिर था उसको माल देते जाते और वो दोबारा से रिपीट करवाते इस वाकया, फिर माल और देते, फिर रिपीट करवाते। सुल्तान अब्दुल हामिद ही हैं जिन्होंने रेलवे का काम, रेलवे लाइन बिछवाई, ट्रेन का सिलसिला इस्तंबुल से मदीने तक के लिए करवाया और इन्होंने ये ऑर्डर जारी किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं तो आपने जो मज़दूर जो वर्कर थे उनको कहा कि आपने जो हैमर है, जो हथौड़ियाँ या हथौड़े हैं उनके ऊपर चमड़े का वो कवर चढ़वाया ताकि शोर ना हो और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आराम में खलल ना आए, और जो ट्रेन का इंजन है उसको बकायदा उस दौर के अंदर मखसूस तरीके से कवर करवाया ताकि जब मदीने में वो ट्रेन का इंजन दाखिल हो तो वहाँ पर शोर ना हो, और जो हैवी काम हुआ करता था वो मदीने से बाहर करवाते और वो पार्ट्स ला के फिर मदीने में लगाए जाते या बिछाए जाते थे। तो एहतराम का एक तरीका था और ये कहते जाते वो अब्दुल हामिद, वो कहते हैं कि असल में तो आप इनका मज़ार भी देख रहे होंगे, आ रहा होगा स्क्रीन पे, ये असल में ये कहते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जो हकीकत में तो वो ज़िंदा हैं, हम लोग मुर्दा हैं, तो हमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आराम का ख्याल रखना चाहिए। सुल्तान अब्दुल हामिद, इनको ख़बर मिली कि फ्रेंच राइटर ने एक इवेंट करने जा रहा है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक इसने एक प्ले तैयार करवाया है जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तज़ीम में कमी वाकया होने का एक ख़दशा था। तो इसने फौरन से फ्रेंच गवर्नमेंट को धमकी दी कि मैं पूरी सल्तनत उस्मानिया की फ़ौज तुम्हारे मुल्क के बॉर्डर पर ला के खड़ी कर दूँगा अगर ये इवेंट तुम लोगों ने कैंसिल ना करवाया, मेरी जान हज़ार मरतबा चली जाए लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर एक ऐसा लफ्ज़ जो उनकी तज़ीम में कमी पैदा करे मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो मजबूरन फ्रेंच गवर्नमेंट को ये इवेंट कैंसिल करवाना पड़ा। सुल्तान अब्दुल हामिद जो हैं इनका इनकी वफ़ाद 1918 में हुई और इनके जनाजे में बेशुमार लोगों ने शिरकत भी की। इनको एक ऑफ़र हुई थी, गौर से सुनिएगा, इनको एक ऑफ़र हुई कि बैतुल मक़दस और जो फ़लस्तीन है ये हमें बेच दो, इसकी ज़मीनें हमें दे दो, बदले में 150 मिलियन सोना। अब वो टन था या तोले थे क्या था ये मुझे सही तरह से क्लियर नहीं है,
तो 150 मिलियन टन या तोला सोना जो है वो आप हमसे ले लो और हमें बैतुल मक़दस और फ़लस्तीन की ज़मीनें दे दो। इन्होंने जवाबन कहा कि चाहे मेरे जिस्म की चमड़ी उतार दो, चाहे पूरी दुनिया का सोना मुझे दे दो, लेकिन मैं ना तो अपने दीन से और ना ही अपने आबाओ अजदाद की जो कुर्बानियों से हासिल करदा वो मुक़दस ज़मीन है तुम लोगों को दूँगा। हम लोग सल्तनत उस्मानिया के जवाल के बाद जो सूरत हाल बनी, हम लोग खिलाफत चाहे मलकियत एक चल रही थी, बादशाहत एक चल रही थी, लेकिन पूरे आलम इस्लाम को जोड़ के रखा हुआ था, जो मेरा एक एनालिसिस है इसने, कि कहीं पे मुसलमानों को कहीं परेशानी आती थी तो एक थिंक टैंक था जो आलम इस्लाम के लिए सोचता था। जब से सल्तनत उस्मानिया टूटी उसके बाद से कहीं पे भी जो जहाँ पे परेशान है, जो जहाँ पे किसी तकलीफ़ में है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। अरसा दराज हो गए कश्मीर को, अरसा दराज हो गए फ़लस्तीन को, अरसा दराज हो गया बर्मा में मुसलमानों के हाल देखें, शाम में देखें, और जहाँ कहीं भी आप मुसलमानों के आज़ाद ममालिक के अंदर भी हालात देख रहे हैं कि अगर वहाँ से कोई मादनी चीज़ नहीं निकली तो उसके माशी हाल क्या हैं, करप्शन के हालात क्या हैं, बहुत ही बुरे हालात के अंदर आलम इस्लाम इस वक्त है। और उस पर सोने पर सुहागा ये है कि जो न्यू वेपन्स आ गए हैं मीडिया की फॉर्म के अंदर, उससे हमारे जहनों को इस कदर पस्ती के अंदर लेके जाया गया है कि अब बाकायदा उठने की ज़रूरत है। अच्छा, इस जो जो ड्रामा दिखाया जा रहा है ये जहाद के ऊपर जज्बा ईमानी इस ड्रामे से हो रहा है, लेकिन एक जो फ्लो है, जो एक ख़राबी पैदा होने का एक खदशा मुझे फ़ील होता है कि आपने एक अरसा दराज जहाद को दहशतगर्दी के साथ अटैच किए रखा, उसके बाद असल में मुसलमानों को बताया ही नहीं जा रहा मीडिया के ऊपर भी कि जहाद किस दिफा का नाम है, किस दिफा के लिए जहाद हम पे फ़र्ज़ किया गया था। तो जब तक आप जिहाद की डेफिनेशन को दोबारा से हमारे आलम इस्लाम के अंदर नहीं उजागर करेंगे तो ये खदशा है कि कुछ ऐसी जज्बाती लोग जो माजी के अंदर भी किसी भी जमात के नाम के तौर के ऊपर उभर के इस्लाम को नाफिस करने के लिए ना हक खून करने बैठ गए थे, तो इस तरह की दोबारा से कंडीशन ना हो। अवेयरनेस लोगों को पहले दीजिए, फिर आप एकदम से आपने पहले जहाद को इतनी दहशतगर्दी के साथ जोड़ा और उसके बाद अब आप जहाद को एकदम से दिखा के जज्बाती लोगों को उभारना चाह रहे हैं। कमज़ोरी भी है जहाद से मुसलमानों को अवेयर ना करना, मुसलमानों के ईमान को कमज़ोर करना भी है ये, और ये गुनाह का काम है। हमें जहाद के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन एकदम से एक जज्बाती मोमेंट्स को दिखा के उन कम अकल जज्बाती लोगों को आप उभार देंगे जो कि नुकसान का बाइस भी हो सकता है। सलाहुद्दीन अयूबी ये अपनी ज़िंदगी में बड़ा कम हंसा करते थे। लोगों ने इसकी वजह पूछी तो इन्होंने बताया कि इन्होंने कहा कि अगर बैतुल मक़दस सलीबियों के कब्ज़े में है तो मैं कैसे हंस सकता हूँ। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हज भी नहीं किया, इन्होंने उमरा भी नहीं किया, और आज भी उलमाए कराम खुसूसन शाम के उलमाए कराम इनके लिए उमरा करते हैं, अदा करते हैं, और हम लोगों को भी अपने जो जिन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हालांकि जा सकते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, लेकिन इनकी पूरी ज़िंदगी बैतुल मक़दस और इस्लामी सरज़मीनों को फ़तह करने और उधर मुसलमानों की बका और उनकी हिफाजत के लिए लगी। मदीने का काम असल में मदीने के बाहर रह के इन्होंने किया, तो आज भी उलमाए कराम इनके लिए जो है वो उमरा अदा करते हैं। आप लोगों को भी अगर मौका मिले, और उम्रे पे हम कई उम्रे करते हैं, तो एक उम्रा अपने जो ये मोजस गाजी या शहीद हैं इन लोगों के लिए लाजमी करना चाहिए। इन लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी और अल्लाह ताला हमें सही मानों में समझ अता फरमाए कि ये इन लोगों की क्या कुर्बानियाँ थी, किसके पीछे थी। जो मैंने तीन बातें इसमें जिक्र की हैं उनको समझें। मुझे नहीं पता कि ड्रामे के अंदर क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं, क्या नहीं दिखाई जा रही, लेकिन इनके जज्बात को समझें। इन्होंने कैसे रब तआला के साथ अपनी ज़िंदगियों को निभाया, रब तआला के अहद को वफा करते हुए कैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगियां अदा की। हम लोगों छोटी सी ज़िंदगी है, कोई पता नहीं कब चले जाना है। अगर हम सिर्फ एक आम सभी जनरल क्या कहते हैं तज़िया करें तो अगर 60-70 साल की भी ज़िंदगी होती है, 30 साल जिसकी गुजर गई है, क्योंकि मुझे अक्सर देखने वाले जो मच्योर लोग होते हैं क्यू टी वी के, तो वो आप समझें कि अगर 30 साल गुजर गई है
और यूँ गुजरी है। आप ज़रा एक नज़र दुड़ाएं आंखें बंद करके भी मुझे देखते देखते ही, तो आपको भी आपके 30 साल पता चल जाएंगे कि एक चुटकी में गुजर गए। तो अगले भी 30, 40, 45 अगर हैं तो अल्लाह ताला ने वो भी ऐसे ही गुजार देने हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बना के जाना चाहिए कि आए हैं तो कुछ करके जाएँ जिसमें, वरना सदियों कब्र के अंदर पड़े रह के पछताने से बेहतर है कि आज हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफा करके जाएँ। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उठ के तलवार लेके कहीं पे भी निकल जाएँ। जिहाद अपने नफ्स से भी है, जिहाद अपने मुल्क की खातिर हलाल कमाने से भी है, करप्शन को रोकने से भी है, और जो इस टाइम सियासत, मीडिया, अदलिया और दीगर चीज़ों के अंदर भी जो खराबियाँ पैदा हो चुकी हैं, मैं किसी क्या कहते हैं बाकायदा किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जो बिगाड़ है अपनी अपनी जगह पर रह के हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि इन परेशानियों को और इन जो बिगाड़ है, जो करप्ट चीज़ें हमारे अंदर आ चुकी हैं, इनको हम दूर करें, इनको हम भगाएं। फ़खरी पाशा ही वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने मदीना के अंदर जब ये वर्ल्ड वार वन की सिचुएशन आई तो मदीना से इन्होंने जो तबरुकात हैं वो ट्रेन के ज़रिए इस्तंबुल भिजवाए, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक, आप अलैहिस्सलाम के इस्तेमाल का जो प्याला मुबारक, खाने की जो बर्तन होते थे वो, लिबास और मुक़दस जो जगहों के पत्थर और इस तरह की चीज़ें हैं, और वो आज भी इस्तंबुल में एक म्यूज़ियम के अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं, उसको डिटेल में देखने के लिए 2-3 दिन दरकार हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें इन लोगों ने जमा की हुई हैं। तो बहरहाल अभी जो मौजूदा सिनेरियो है वो ये है कि 100 साल जिसके अंदर इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने इतिहादियों के साथ मिल के तुर्कियों को एक बाउंड किया था और एक तुर्की मुल्क मार्ज वजूद में आया था, और 100 साल एक एग्रीमेंट था जिसको कहा जाता है लोजान मुआहिदा। ये आज भी आपको मिल जाएगा, अगर आप गूगल करेंगे उधर भी पड़ा हुआ आपको मिल जाएगा। इसके अंदर इन लोगों को जिस बाउंड्री में बंद किया था वो 2023 में बाउंड्री, अगर ये इंतशार नहीं फैलाते तो ये बाउंड्री इनके लिए खुल रही है। अब हिजाज जो था वो बकायदा तौर पे अरबियों के, अरबी जो अभी मौजूदा, अरबी से मुराद वो अरब नहीं है, अरबी से मुराद इब्ने सऊद को मैं मुराद ले रहा हूँ, इन लोगों के तसल्लुत में हिजाज मुकद्दस नहीं था, ये एक अलग मुल्क था, एक अलग रियासत थी जिस पे उस वक्त जो शरीफ मक्का अल हुसैन थे उनको, वो गवर्नर थे वहाँ पे। तो इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर से 7 मिलियन पाउंड लेके उस वक्त सल्तनत उस्मानिया से बगावत की, क्योंकि मेन मकसद ये था यहूदियों का कि जब तक सल्तनत उस्मानिया नहीं टूटेगी तब तक हम लोग बैतुल मुकद्दस नहीं जा सकते, जिसके लिए इन्होंने पहले 150 मिलियन सोना ऑफ़र किया था अब्दुल हामिद को। तो इन्होंने ये स्नैरियो क्रिएट किया कि ऐसे तो इन लोगों ने हिलना नहीं है, तो वर्ल्ड वार इन लोगों ने क्रिएट करवाई, और बगावत के लिए इनको ये पता था कि मक्का मदीना के साथ मुसलमानों की ज़्यादा अटैचमेंट है, तो तमाम आलम इस्लाम को कमज़ोर करने के लिए इन्होंने शरीफ मक्का अल हुसैन को 7 मिलियन पाउंड उस टाइम पर दिए। आज पता नहीं उसकी मालियत कितनी बनती होगी, तो वो इन्होंने लेके सल्तनत उस्मानिया से बगावत की। फिर उसी शरीफ अल हुसैन इन्होंने खिलाफत का ऐलान कर दिया जब खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुई, तो इनके काउंटर में ब्रिटिश एम्पायर ही ने दोबारा से आले सऊद को तैयार किया 1924 के अंदर, और इन्होंने अल हुसैन को 5000 पाउंड मंथली के ऊपर इन्होंने अल हुसैन को कुचला, और अल हुसैन को फिर आइडिया हो गया कि ये मेरे ख़िलाफ़ बकायदा प्लानिंग के साथ ब्रिटिश जो इतिहादी हैं उन लोगों ने एक पूरा प्लान किया है, और यहूदियों को फिर एक राह मिल गया, और वो आज फ़लस्तीन का हाल हम लोग के सामने है। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। 24 फरवरी इसी साल 2020 में आपको तस्वीर शो हो भी रही होगी, मैंने पहले भी इस पर एक प्रोग्राम किया था, टाइम ऑफ इसराइल में आया था कि जो रबी है इनका जो बड़ा होता है, जैसे क्रिश्चियंस का जो है वो पोप होता है, हमारा एक आलम दीन होता है, इनका
रबी कहलाता है वो सऊदी अरब रियाज में क्या है और इनकी आपस में क्या कट जोड़ चल रही है, क्योंकि 2023 में जो ये मुआहदा ख़त्म हो रहा है हजाज, क्योंकि अलग स्टेट थी और इन लोगों की हुकूमत नजद के ऊपर जो मौजूदा रियाज है और उस एरिया के ऊपर थी, तो हजाज के लिए भी एक राह गालिबन तुर्की हमवार करने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो सबसे ज़्यादा ख़तरा है वो यहूद को ही है, जिसकी वजह से शायद लगता यूँ है, शायद लगता यूँ है कि ये लोग जो रियाज में आके इनकी मीटिंग हुई है फरवरी के महीने के अंदर, और आजकल जो सऊदीया में एक अजीब सी कशमाकश चल रही है वो भी इसी का एक हिस्सा है। एकदम से शहजादा सलमान का उभर के आना, कई शहजादों को पकड़ लेना, उसके बाद फिर अभी भी सुनने में आ रहा है कि आजकल में भी इनकी आपस में कोई परेशानी ऐसी चल रही है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जब ये शहजादा सलमान जो है वो आए थे तो इन्होंने अपने कई रिश्तेदारों को पकड़वाया था उस टाइम पे, तो और एकदम से इतना इनका पावरफुल बन के उठना पीछे अमेरिका की बहुत शदीद सपोर्ट, तो ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ हर एक की कड़ी मिल रही है। और तुर्की का अपने दीगर जो इसके ऊपर पाबंदियाँ थी उससे आज़ाद होने के साथ साथ इनकी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है वो ये है कि ख़ुद को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने के बाद हम लोग हजाज की खिदमत को वापस लेंगे, जो कि अभी फ़िलहाल आले सऊद के पास है। और हजाज क्योंकि अलग एक रियासत थी तो हो सकता है कि तुर्की इस खिदमत को दोबारा से क्लेम करें, और इस कोशिश में ये जो सारा सिनेरियो, एक सऊदी अरब में भी एक हलचल चल रही है, तो ये भी वजह हो सकती है कि इसके पीछे ये सारी चीज़ें हों। बहरहाल अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन रब ताला ने बिल्कुल सच फरमाया है कि मुसलमानों के जो भी मुखालिफ हैं वो मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। 1492 में सुल्तान बेज़िद, सल्तनत उस्मानिया का था, जब सलीबियों ने हमला कर दिया था और कत्लेआम हो रहा था स्पेन के अंदर मुसलमानों का भी और यहूदियों का भी, तो इन्होंने यहूदियों को भी मुसलमानों के साथ पनाह दी थी, उनके खाने के लिए, उनके घर के लिए सारे इंतज़ाम करवाए, और अपनी सल्तनत उस्मानिया की जो फ़ौज थी वो भेज के यहूदियों को शेल्टर दिया था। लेकिन फिर भी जाहिर है मुसलमानों की जो अच्छाइयाँ हैं उनको लोग तारीख के अंदर भूल नहीं सकते, लेकिन उसके बरअक्स बरखलाफ मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ है और जो कुछ हो रहा है और इस वक्त मुसलमान ख़ुद भी जो अपने साथ कर रहे हैं वो बहुत एक अफसोसनाक और अलमनाक कंडीशन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सोचने समझने की तौफीक अता फरमाए और ख़ुद फ़ैसले करने की तौफीक अता फरमाए कि हमें क्या करना चाहिए और हमें अपने रब के साथ कैसे वफा करनी चाहिए। और ये जो छोटा सा एक मुख्तसर सा मैंने खाका कोशिश की है कि इरतगल से लेके इरदगान तक, तैयब इरदगान तक जो है मैं इसको पेश करूं कि अभी जो सिनेरियो बन रहा है वो क्या है। तुर्की का झंडा याद रखिए लाल रंग का है, और इसलिए लाल रंग का है कि उन्होंने अपने खून को भुलाया नहीं है। नंबर टू, तुर्की ये जो एक मुआहिदा 1923 जुलाई में हुआ था, जो 23 जुलाई में एंड होने जा रहा है, इसके मुताबिक अगर ये क्लेम कर देते हैं कि हमें हिजाज़ मुकद्दस की खिदमत हमारी है और हम दोबारा से लेंगे, तो फिर याद रखिए कि उस हिस्से के अंदर आले सऊद की जो किंगशिप है वो ख़तरे में आ जाएगी और इनको जमहूरियत वहाँ पे लेके आनी पड़ेगी, अगर तो इन्होंने अपने आप को चलाना है। अदरवाइज़ अल्लाह बेहतर जाने कि क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होना जा रहा। लेकिन ये एक छोटा सा एक खाका था जो मैंने कोशिश की कि तस्वीर जो मेरे पास कुछ नायाब हैं वो भी मैं आपके सामने पेश करूँ और बताऊँ कि असल में मुसलमानों का मकसद क्या है, अल्लाह के साथ वफ़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तज़ीम और हुरमत, और नेक लोगों के साथ, उलमाए कराम के साथ अपनी इसलाह करते रहना, अपने नफ्स की इसलाह करते रहना, अपनी रूह की इसलाह करते रहना और ईमानी तौर पे मजबूत होते रहना, ताकि हम रसूल और अल्लाह के साथ मजबूत जुड़े रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जज्बा ईमानी के साथ अपने दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोर के परों से बना हुआ झाड़ू जो है, ये सल्तनत उस्मानिया के अक्सर सुल्तान जो हैं वो अपने जो टर्बन है, जो पगड़ी है या जो क्राउन हुआ करता था उस पे
ताज के तौर पर लगाया करते थे और इनकी मोहब्बत और अकीदत का इजहार था, और कहा करते थे कि असल बादशाहत तो और असल रियासत तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही की है, हम तो उनके खातिम हैं। तो ये आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहे होंगे, ये शुतुरमुर्ग या फिर मोर के परों के ये झाड़ू हुआ करते थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के अंदर और बाहर की तरफ एक लंबा अरसा सफाई के लिए मामूर रहा करते थे। और बाद में ये इस्तांबुल सुल्तान के जो पगड़ी है या उनका जो क्राउन हुआ करता था उस पर लगाए जाते थे।